ललिता सखी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु श्री ललिता सखी, थोड़ी सी अगर हिंट लग जाए कि राधा रानी की दासी बनना चाहते हैं, ये एकदम जल्दी जल्दी हमें राधा रानी की दासोत्तम में ये हमें ललिता शक्ति नियुक्त कर देती है। जैसे आप लोगों ने अभी अभी आप लोग गए थे बरसाना में, बरसाना में एक मयूर कुटी गए थे, गए थे कि नहीं मयूर कुटी, कौन कौन गए हो, गए ना मयूर कुटी में, कहते जो मयूर कुटी में एक समय राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, इतने में श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर को कहते, बोले श्याम सुंदर थोड़ी सी मेरे मुख का थोड़ा वर्णना करोगे, मैं कैसे सुंदर ही हूँ। इतने में श्री श्याम सुंदर ने क्या किया, उन्होंने बोले चंद्रा थोड़ी सी चुप हो गए, चंद्रा बोल करके इसलिए बोले बोले चंद्रा, और चंद्रा बोल करके ना थोड़ी सी चुप होकर के बोले आननी। इतने में तो राधा रानी को क्रोध आ गया, बिगड़ गई, बोले ओ तुम्हारी चंद्रावली क्या याद आ गई ना, चंद्रावली चंद्रावली कौन है, कहते कृष्ण का सबसे जो प्यारी सखी दो है, एक है श्री राधा रानी और एक श्री चंद्रावली, चुपचाप बसो, ये दो सखी उनकी सबसे प्यारी है। अभी उन्होंने चंद्रा बोल कर जब चुप हो गए, ओ चंद्रावली की याद आ गया, इसलिए तुम चंद्रा, फिर बोल दिया आननी, मतलब हे राधे तुम्हारी जो मुख है वो चंद्र जैसे तुम्हारी मुख। इतना सुनते ही तो राधा रानी बिगड़ गई, बोले और कोई उपमा नहीं था, तुम चंद्रमा को साथ में मेरी मुखमंडल को उदाहरण दे दिया, जानते हो चंद्रमा में कितने दोष है, बोले पूर्णिमा का तो पूर्ण चंद्र, फिर प्रथमा द्वितीया करते 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 अमावस्या को पूरा अंधकार, क्या मेरे रूप में मेरी रूप कभी बढ़ती है और मेरे रूप कभी घटती है, चंद्रमा में एक धब्बा भी है, दाग है, मैं देखो मेरे मुंह में कोई दाग है, और चंद्रमा कहते समुद्र से निकलती है चंद्रमा, लेकिन समुद्र कैसे नमकीन पानी है, क्या मैं कहीं नमकीन पानी से निकली हूँ, बोले श्याम सुंदर आप जैसे ऊपर से काले है ना, अंदर से भी कम काले नहीं, अंदर से भी तुम ज्यादा काले हो है? इतने में तो राधा रानी मान करके चली गई, जब चली गई श्याम सुंदर बोले हे राधे चंद्रमा में बहुत गुण भी है, मैंने दोष देख करके नहीं बताया, गुण देख करके बताया, जैसे दिन में सूर्य का किरण से हम झुलस जाते हैं, लेकिन रात में जब चंद्रमा उदय हो एकदम सवेरे उठो ना शरीर में फिर सुस्ती आ जाती है, बोले कहाँ से आते हैं, बोले चंद्रमा में एक अमृत है, जितने वृक्ष की जीवनी शक्ति जितने मेडिसिन आयुर्वेदिक वो कहाँ से निकलते, बोले चंद्रमा से, बोले चंद्रमा में बहुत गुण भी है, मैंने दोष देख करके नहीं बताया, गुण को देख करके बताया, बोले नहीं आप बड़े काले हो, ऊपर भी काले भीतर भी काले, राधा रानी मान करके चली गई, मान करके चली गई, अभी बनाएगा कौन, अभी मिलन कौन करेगा, बोले ललिता, यही ललिता ही परामर्श देती है श्याम सुंदर को, राधा रानी को मिलन कैसे होगा, फिर कृष्ण श्री ललिता की आनुगत्य में जाते हैं, बोले ललिता अभी बताओ अभी मैं क्या करूं, मना तो मैं थक गया, बताओ क्या करूं, बोले देखो श्याम सुंदर आप जैसे तड़फड़ा रहे हो किशोरी जी से मिलने के लिए, किशोरी भी तड़फड़ा रहेगी तुमसे मिलने के लिए, बोले बताओ करे क्या, बोले एक काम करो राधा रानी को मयूर नृत्य बहुत पसंद है, आप मयूर बन करके नृत्य करो। इतने में श्याम सुंदर जाकर के जो मयूर नृत्य कर रहे थे, इतने में श्याम सुंदर स्वयं मयूर बन गए, और मयूर को अंदर में जाकर के बड़ी हाफ हाफ से कटाक्ष से है, सब मयूर तो एक तरह का नृत्य कर रहा था कर रहे थे, लेकिन कृष्ण एक अलग सा नृत्य कर रहे थे। अभी राधा रानी ने देखा भैया ये क्या चक्कर है, ये सारे मयूर तो एक सा नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये मयूर अलग सा बड़े हाव भाव से क्यों नृत्य कर रहा है। अब देखना पत्नियां जब पति को ज्यादा सेवा करे ना, पति को पता चलता है दाल में कुछ काला है, ये दाल में कुछ काला है, ये इतना क्यों सेवा कर रही है, क्यों, पत्नी को जब कोई चीज मांगना होना क्या करती है, पति को बढ़िया कर खींच पूरी रोटी खिलाएगी, मीठी मीठी बात करेगी और ज्यादा ही सेवा करती है, क्योंकि उनको मनाना कुछ मांगना है, इसलिए चूंकि कृष्ण को राधा रानी से कुछ लेना है, इसलिए बड़ी हाव भाव से श्याम सुंदर नृत्य कर रहे थे। इतने में श्री राधा रानी बोली ललित ये बताओ ये सारे मोर तो एक सा नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये मयूर इतने हाव भाव से क्यों नृत्य कर रहा है, और ये मयूर का प्रति मेरा मन इतने आकर्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे जो मन है वो श्याम सुंदर को छोड़ करके और किसी पुरुष का प्रति मेरा मन आकर्षण नहीं होता है, लेकिन इसको प्रति इतने आकर्षण क्यों हो रहे हैं, बोले राधे ये और कोई नहीं,
ये श्याम सुंदर तुम्हें रिझाने के लिए ये मयूर ने मयूर बना है, ये और कोई नहीं है मयूर बने। जब राधा रानी ने देखा श्याम सुंदर मेरे को प्रसन्न करने के लिए मयूर बने हैं, तब राधा रानी ये मयूरणी बनी और मयूर मयूरणी बन करके दोनों नृत्य की थी, इसलिए उसका नाम हुआ था मयूर कुटी। इसलिए जब जब श्री श्याम सुंदर को राधा रानी से मिलना होता है और राधा रानी कहीं मान करती है, ये दोनों का मिलन का काम कौन कराती है? कहते ललिता सखी कराती, यही परामर्श देती है। और कभी राधा रानी मान करती है, श्याम सुंदर फिर श्री ललिता को पास में जाते, बोले ललिता बताओ अभी हम क्या करें? बोले देखो आप जैसे कृष्ण विरह में तड़प रहे हो, राधा भी तुम्हारी विरह में तड़प रही है। बोले बताओ तो अभी क्या करें? बोले आप गंधर्वणी बनो, आप ड्रेस को चेंज करो, ड्रेस को चेंज करके गंधर्वणी रूप धारण करो और राग रागिणी गाओ। कृष्ण ऐसे राग गाते हैं, फूल से मधु झरना शुरू हो जाता है, पत्थर पिघलना शुरू हो जाती है और राधा रानी सुन करके कृष्ण का राग को राधा रानी हृदय भी पिघलने लग जाती है। ललित राधा रानी कहते ललिते ये बताओ ये कौन इतने सुंदर भजन गा रहे हैं, जिसको सुन करके मेरे हृदय में जो मान थी वो धीरे धीरे मान दूर हो रहा है, मेरे हृदय भी पिघलना शुरू हो गई, ये कौन है? बोले देखो राधे एक स्वर्ग से कोई गंधर्वणी एक आई है, हाँ ये गा रही है, बोले उसको लेकर के आओ, पता नहीं इसको भजन सुनकर मेरा मन क्यों शांत हो रहा है। इतने में गंधर्वणी कौन, कृष्ण ही गंधर्वणी बनी। इतने में कृष्ण को लेकर के आते हैं, लेकिन कृष्ण जब कुंजों को अंदर में प्रवेश करते ही कृष्ण का शरीर में एक सुगंधि है, जिस सुगंधि को पा करके राधा रानी की मन जो मान होना धीरे धीरे और उतरने लग जाती है। बोले गंधर्वणी तू कहाँ से आए हो? बोले स्वर्ग से आई हूँ। बोले तू क्या जानती हो? वे मैं जिसकी चरण दबाती ना और जिसको मैं श्रृंगार करती हूँ, मन की सारे व्यथा दूर हो जाता है। बोले देखो गंधर्वणी मेरे मन भी बड़ा व्यथा है कृष्ण विरह में, थोड़ी सी मेरी सेवा कर लोगे, मेरे से थोड़ा चंदन और प्यार हाथ लगा लोगे? बोले क्यों नहीं। तब श्याम सुंदर क्या करती है, राधा रानी के चरणों को स्पर्श करते ही, राधा रानी के श्रृंगार करते ही जितने राधा जी की मान खत्म हो गया। हाँ क्यों, राधा रानी दुखी हुई थी कृष्ण से मिलने के लिए, ये तो वही कृष्ण है, सारे हृदय के सारे दुख चला गया। राधा रानी कहते ललित ये बताओ इसका स्पर्श करते ही मेरा मन में इतने आनंद क्यों आ रहा है, हृदय गदगद हो रहा है, पुलकित हो रहा है, ये क्या है? और मेरे मन में जो व्यथा था कृष्ण विरह में सारे व्यथा दूर कैसे हो गया? बोले राधे ये और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर केवल तुम्हें मनाने के लिए ये श्यामा सखी रूप धारण की हुई। बोले इनकी पोल कैसे खुलेगी, इनकी पोल कैसे खुलेगी? इतने में राधा रानी कहती देख सखी तू बड़ी प्यारी हो, तेरी मीठी मीठी बोली, पता नहीं तेरे हाथ में क्या जादू है, मेरे चरण स्पर्श होते ही मेरा सारे दुख दूर हो गया। बोले देखो अभी से तू हमारे साथ में रहा करो, लेकिन देखो हम सब राजकुमारी, देखो कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, लेकिन तू महिला वस्त्र पहनी, इसे वस्त्र को थोड़ा तुम पलटा दो, वस्त्र को थोड़ा चेंज कर दो। कृष्ण देखा मेरे सारे पोल खुल जाएंगे, लेकिन वो तो है नहीं, वो तो सखा सखी बने हुए। कृष्ण बोले नहीं नहीं हम कपड़ा नहीं बदलाते, यही कपड़ा पहनते हैं। बोले भैया लड़कियों के अंदर में लड़की कपड़ा बदलाने के लिए कोई शर्माती है, हैं? लड़कों के सामने शर्म आती, लड़की लड़कियों के सामने कोई शर्म थोड़ी आती है, इसलिए कपड़ा बदला। बोले नहीं नहीं गोपिया का जोर जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और ऊपर का जो चुंदरी को ऐसे जो खेच दिए, बस कृष्ण का सारे वस्त्र खोल गया, कृष्ण का अपना रूप सामने प्रकट हो जाती है। इसलिए यही ललिता ही सारे जुगल को मिलने का काम श्री ललिता सखी कराती है, इनके बगैर कोई उनकी सेवा की कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए इसका नाम है ऊंचा गांव है। इसलिए ललिता सखी की अगर ललिता यही शिक्षा देती है, बोले दृष्ट ब्रज तन तनु सुष्ट बामा, कभी कभी राधा रानी को ये शासन करती, बोले खबरदार राधा रानी जब तक मान करके बैठती है तब तक श्याम सुंदर उनको कभी छोड़ नहीं सकते, वही पर उन्होंने मना रहेगा, लेकिन जब राधा रानी मान छोड़ देती है ना फिर कृष्ण फिर और सखियों के पास में चली जाती है। इसलिए ललिता कहती है खबरदार यही पर मान करके बैठे रहो, मान किस कृष्ण जितने बोलने पर भी मान कभी छोड़ना नहीं। कहते इनकी एक जो स्वभाव है कहते खंडिता, बोले खंडिता मतलब क्या है, जैसे राधा कृष्ण दोनों के पास में खबर भेजे इसी समय पर मिलेंगे, अभी श्री राधा रानी
क्या की है, सुंदर कुंज बना करके बैठी हुई। लेकिन कृष्ण बोले हम आऊंगा, लेकिन जब उपयुक्त समय पर, निर्दिष्ट समय पर जब कृष्ण नहीं आते हैं, तब राधा रानी बड़ी दुखी हो जाती है। राधा रानी बड़ी दुखी हो जाती है, श्याम सुंदर आए नहीं। अभी राधा रानी के दुख को देख करके कहते श्री जो ललिता सखी बड़ी दुखी हो जाती है, कहते श्याम सुंदर अभी तक भी श्याम सुंदर आए नहीं, और इनकी जो स्वभाव है ना प्रखरा। इसलिए तीन तरह का सखियों का स्वभाव है, एक है मुग्धा है, और एक है प्रखरा है, और एक है मुग्धा प्रखरा, और क्या है मुग्धा और प्रखरा मिला। इसलिए ललिता जो सखी, इसका जो स्वभाव है ना, इसका मतलब प्रखरा, प्रखरा मतलब तेज। ये ललिता इतने तेज है, अगर राधा कृष्ण दोनों पासा खेल रहे हैं, अगर राधा रानी का पल्ला अगर थोड़ी सी नीचे हो ना, अगर कृष्ण का पल्ला थोड़ा भारी हो रहा है, कृष्ण राधा रानी को दबाना चाहते हैं, इतने में ललिता बीच में आ जाएगी, बोले कृष्ण चुप रहो, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। हाँ, राधा रानी को कभी ये भी, कभी राधा रानी को कभी छोटा नहीं बना, कभी सह नहीं सकते। हर समय श्री राधा रानी को ये ऊंचा बना करके रखना चाहती है राधा जी को कभी। इसलिए कहते हैं ललिता सखी रो अजो क्या के करी विनोद धरी छे पाए। ये ललिता सखी की ही कृपा से ही ये जुगल सरकार की सेवा जीव को प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम लोग श्री कुचा गांव में आए, ललिता सखी में आए, विशेष करके इनके आनुगत्य में तीन सखी है, अनंग मंजरी, रूप मंजरी और श्री लवंग मंजरी, मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो महाप्रभु लीला में आए, इनकी दल में ये तीन मंजरी विशेष करके काम करती हैं। इसलिए हम श्री ललिता सखी के पास में आए, हम इन्हीं की ही गण में, हम लोग है ना, हमारा जो गण है इन्हीं की गण है। इसलिए ललिता से हम प्रार्थना करें, हे ललिता सखी, कभी हमारे गुरुदेव तुम्हारे चरण तक हमें पहुंचाए, और तुम कृपा करके हमें श्री किशोर जी की सेवा तक तुम हमें पहुंचाना, ठीक है। बोले गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री ललिता सखी की, बोले श्री ऊंचा गांव की, बोले श्री राधा रानी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हाँ हरे कृष्णा। अभी हम लोग देह कुंड में जा रहे हैं, इसके नीचे देह कुंड है, वहीं पर